इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूएफसी के अंदर अगर आपको अनेबल टू कनेक्ट टू ईए सर्वर्स रिट्राई आता है तो इस इशू को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको यहाँ से मिनिमाइज ने फ़ोन की सेटिंग्स में जाना है। तो फ़ोन की सेटिंग्स में हम चलते हैं और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर कनेक्टिंग कनेक्शन एंड शेयरिंग पर जाना है। सबसे पहले एरोप्लेन मोड को लगा लेना है, बंद कर देना है, फिर बैग लाना है और यहाँ पर आपको जो है ऐप्स में जाना है, मैनेज ऐप्स में जाना है और यहाँ पर जो है गेम को आपको फाइट कर लेना है जो आपका गेम है, तो वो नीचे ही आपको मिल जाएगा, उसे जो है आप फाइंड कर लेंगे हम। तो सबसे नीचे हम चलते हैं तो यहीं कहीं पर वो हमें मिलेगा, ये रहा, ठीक है। तो इसे खोल लेना है और यहाँ पर फोर्स स्ट्रोक कर देना है, रिस्ट्रिक्ट डेटा यूसेज पर जाना है और तीनों पर टिक लगा कर ओके कर देना है, ठीक है। तो इतना आपको करना है यहाँ पर, ठीक है। परमिशंस अगर मिले तो परमिशन को ऑन कर दीजिएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर बैक लाइएगा, बैक लाइएगा, बैक लाइएगा, बैक लाइएगा और यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स में जाइएगा, डेट एंड टाइम पर जाइएगा, यूज नेटवर्क प्रोवाइडेड पर टिक करके लगा दीजिएगा, टाइम जोन अगर आपको दिखाई दे तो टाइम जोन पर भी टिक करके लगा दीजिएगा, या आप खुद से ही टाइम चेंज करना चाहें तो 1 दिन से ज़्यादा का गैप बिल्कुल भी लेकर मत रखिएगा, ठीक है। तो इतना ही करिएगा, इससे ज़्यादा कुछ भी मत करिएगा, तो आपकी प्रॉब्लम जो होगी वो सॉल्व हो जाएगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने फ़ोन को एक दफ़ा बंद करके इंटरनेट को प्रॉपरली तरीके से चालू करके फिर चलाइएगा तो वो चल जाएगा। तो अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।